अगर हम ऑप्टिमम टैरिफ की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि ऑप्टिमम टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट है दैट रिलेट्स विद लार्ज कंट्री। तो सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई नॉट फॉर द स्मॉल कंट्री, स्मॉल कंट्री के केस में हम ऑप्टिमम टैरिफ का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाते लगाने के बाद होगा क्या, टैरिफ लगाने के बाद टर्म्स ऑफ द ट्रेड जो है वो ऑल्टर करेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड शिफ्ट करेंगे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जब चेंज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ये रेशियो पे फर्क आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या होगा, प्राइसेस चेंज करेंगे। ठीक है, यही मतलब होता है। जब हमने बोला स्मॉल कंट्री, इट मींस वो क्या है, वो एक ऐसी कंट्री है जो क्या करेगी, जो प्राइस को ऑल्टर नहीं कर सकती। इट मींस स्मॉल कंट्री क्या है, स्मॉल कंट्री इज अ प्राइस टेकर। स्मॉल कंट्री अगर प्राइस टेकर है, इसका मतलब वहां पे स्मॉल कंट्री डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू इफेक्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड और इट कैन नॉट चेंज द ग्लोबल प्राइसेस। क्लियर? तो अब मैंने जब आपको बोला कि ऑप्टिमम टैरिफ का कॉन्सेप्ट जो है वो लार्ज कंट्री केस पे हम डिस्कस करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जब टैरिफ लगाया किसी भी कंट्री ने तो क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या करेंगे उस कंट्री के लिए इंप्रूव करेंगे। आपको पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरा क्या होगा, टैरिफ लगाने की वजह से वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड क्या होगा, इट फॉल्स। ठीक है, पहले के कंपैरेटिवली आप क्या होगा, आप वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या करेगा, फॉल करेगा। तो हम इन्हीं दोनों का नेट इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या है, इट इज दैट रेट ऑफ टैरिफ दैट मैक्सिमाइजेस द नेट बेनिफिट। जो कहां से आ रहा है, एक जो आ रहा है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने से, और दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट का क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो रहा है। तो यही हम ऑप्टिमम टैरिफ के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने बोला वी हैव टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए जो है दैट इज अ होम कंट्री एंड कंट्री बी इज अ फॉरेन कंट्री, और यहां पे एट सम पॉइंट जिसको हम नाम दे देते हैं डी, हमने बोला कि दोनों ऑफ कर्व्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, जिसका हमने नाम क्या दिया, डी पॉइंट दिया। हमने बोला जब यहां पे इंटरसेक्ट की देन ओटी नॉट क्या है, ओटी नॉट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। बट यहां पे क्या हुआ, होम कंट्री ने टैरिफ इम्पोज किया। जैसे ही होम कंट्री ने टैरिफ इम्पोज किया द रिजल्ट इज कि उसकी जो ऑफ कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट पे शिफ्ट की और हमने इसका नाम दे दिया ए वन। तो हमें इसके साथ साथ क्या देखना है, हमें वेलफेयर पे भी देखना है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व। हमने बोला आईसी वन इज द ट्रेड इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट डी, बट जैसे ही आप ए वन पे शिफ्ट हुए आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होगी, आईसी टू। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बोला कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी इंप्रूव हो गए। ठीक है, दिस लाइन इज स्टीपर, अगर मैं इसको ओटी वन नाम दे दू, मैंने बोला ओटी वन इज स्टीपर देन ओटी नॉट, इट मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हुए, इंप्रूव हुए। पहली बात आपको क्या दिमाग में रखनी है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहे हैं, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको कि हम आईसी वन से आईसी टू पे शिफ्ट हुए, इसका मतलब हम हायर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हुए। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ हमें दूसरी चीज क्या देखने को मिली, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जैसे ही हमने देखा, कंट्री ने देखा कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंप्रूव किया, साथ में क्या हुआ, दूसरा साथ में क्या हुआ, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव हुआ। तो कंट्री ने कहा कि हमें फर्दर क्या करना चाहिए, टैरिफ इम्पोज करना चाहिए। फर्दर टैरिफ इम्पोज किया, फर्दर मूवमेंट आई लेफ्टवर्ड। ठीक है, जब फर्दर मूवमेंट आई लेफ्टवर्ड तो क्या हुआ, अब हम इसका नाम दे देते हैं ओ ए टू, और ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, एट सम पॉइंट एफ, और हमारी इसके साथ क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व भी शिफ्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट है एट दिस पॉइंट एफ। तो आप देखें यहां भी हमारा वेलफेयर क्या हुआ, फर्दर इंप्रूव हुआ, और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या हुए, इंप्रूव हुए। बट अगर फिर कंट्री को लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्दर टैरिफ इम्पोज करना चाहिए, कंट्री ने क्या किया,
अपने टैरिफ लगाया और उसकी वजह से जो ऑफर कर्व है होम कंट्री की वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स OA3 और हम नहीं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो आ गई दिस वन। बट अगर आप क्लियरली देखें IC4 इज लोअर देन IC3, इट मीन अब क्या होगा, फर्दर टैरिफ लगाने से क्या हुआ, वेलफेयर इंप्रूव नहीं हुआ, वेलफेयर क्या हुआ, फॉल कर गया। जब वेलफेयर फॉल किया इसका मतलब कंट्री के लिए इस पॉइंट पे आना बेटर नहीं था, तो कंट्री को क्या कहां पे रहना चाहिए, एफ पे। और एफ को अगर आप ध्यान से देखो तो एफ पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू व्हाट, टेंजेंट टू फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व। हमने बोला कि आईसी कर्व इज टेंजेंट टू फॉरेन कंट्री ऑफ अ कर्व, इसका मतलब यहाँ पे जो आपको टैरिफ मिलने वाला है दैट टैरिफ इज नोन एज ऑप्टिमम टैरिफ।